एक सर्टन एज के बाद स्किन अपना लस्टर खोना शुरू हो जाती है। स्किन हमारी जो होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, अनइवन स्किन टोन, डार्क पैचेस या फिर पिगमेंटेशन, इस तरह की चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी स्किन हमेशा की तरह पहले की तरह नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते रहेंगे। लेकिन अगर आप केयर करते हो अच्छे से अपनी स्किन की, तो आप अपने एजिंग वाले साइंस को कुछ टाइम के लिए डिलेट कर सकते हो। और वो कर सकते हो आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट अपने फेस पे यूज़ करके जो कि एंटी एजिंग वाले बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि रेटिनॉल, हैलुरोनिक एसिड, आर्जिनिन, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन पे यूज़ करते हो तो आपकी एजिंग स्लो डाउन हो सकती है। 5 to 10 ईयर्स आप यंगर लुकिंग बन सकते हो। तो ये चीज़ें आप DIY करके नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने स्किन के लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सैटिन बाय GHC का एंटी एजिंग सीरम। ये सीरम बना है ऐसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट से जो कि आपकी स्किन के लिए किसी भी तरह से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपकी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। इसमें है रेटिनॉल, हैलुरोनिक एसिड, आर्जिनिन, नाइसिनमाइड एंड विटामिन सी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है और इसका क्लोजर शॉट भी आप देख सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग सीरम है गाइस। अगर आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको एंटी एजिंग वाले बेनिफिट्स दे, आपके लाइंस, रिंकल्स, फाइन लाइंस और आपके चेहरे पे जो स्पॉट आ जाते हैं, आपके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन आ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर आप दूर करना चाहते हो तो आप सैटिन बाय GHC का एंटी एजिंग सीरम डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू करो। इसमें जो प्रेजेंट है रेटिनॉल, एक पावरफुल एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट होता है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, ब्राइटन भी करता है। हैलुरोनिक एसिड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आपकी स्किन में वाटर को होल्ड करता है, जिससे आपकी स्किन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हाइड्रेटेड रहती है। और हाइड्रेटेड स्किन इज इक्वल टू ग्लोइंग स्किन इज इक्वल टू मॉइस्चराइज स्किन, जिससे कि आपके एंटी एजिंग वाले साइंस जो होते हैं वो डिलेड होना शुरू हो जाते हैं। इसमें है नाइसिनमाइड। नाइसिनमाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपके स्किन में जो अगर पोर्स एनलार्ज हो रहे होते हैं उसको मिनिमाइज करता है। अगर आपके फेस पे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट है उसको ट्रीट करने के लिए। इसमें है एक और इंग्रेडिएंट जो कि है विटामिन सी, और विटामिन सी के बारे में बताना तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। आप सारे वीडियोस में मेरे देखते रहोगे कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड डेली बेसिस पे हमारी स्किन पे विटामिन सी अगर आप लगाते हो तो आपकी स्किन पे एजिंग वाले साइंस तो डिले होंगे ही, साथ साथ आपकी स्किन ग्लोइंग और बहुत ही ज़्यादा ल्यूमिनस बनेगी, बिल्कुल ब्राइटन बनेगी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो सैटिन बाय GHC की तरफ से तो आपको एक कूपन कोड मिलता है आपके ऑर्डर के साथ में, जिसमें आपको नेक्स्ट परचेज के लिए 20% ऑफ मिलता है। जब आप नेक्स्ट कोई भी परचेज करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा अपनी नेक्स्ट परचेज में। प्लस यहाँ पे एक फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ होता है प्री कंसल्टेशन का, जो कि हेल्थ कोचेस होते हैं सैटिन बाय GHC की तरफ से। आप इनकी वेबसाइट पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन है वहाँ से जाकर फ्री कंसल्टेशन हासिल कर सकते हो। बेस्ट बात है सैटिन बाय GHC की कि आपको फ्री कंसल्टेशन मिलता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते और आपको पर्सनलाइज हेल्थ एंड फिटनेस डाइट प्लान मिलते हैं बिना किसी हिडन चार्जेस के। और ये जो फ़ोन नंबर मेंशन है या इसमें आप फ्री कंसल्टेशन कर सकते हो, साथ साथ आप इसे स्कैन करके डिस्काउंट पा सकते हो और एक्साइटिंग ऑफर्स पा सकते हो। ये सीरम आपको यूज़ कैसे करना है, जैसे नॉर्मली कोई भी आप सीरम यूज़ करते हो तो किसी सीरम में नाइसिनमाइड होता है, किसी सीरम में हैलुरोनिक एसिड होता है, सब अलग अलग इंग्रेडिएंट का आप परचेज करते हो। लेकिन ये सीरम अगर आप यूज़ करते हो तो सारे बेनिफिट आपको एक सीरम में ही मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। और ऐसा नहीं कि आप अगर 30 प्लस हो तो ही आप इसको यूज़ करो, अगर आपकी एज 20 प्लस भी है तो भी आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें हैलुरोनिक एसिड है, नाइसिनमाइड है, जो कि आपकी स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को लस्टर्स और ग्लोइंग बनाता है। और जितना अर्ली आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे यूज़ करना स्टार्ट करते हो उतना डिलेड आपकी एजिंग होती है। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अपने फेस को वॉश करने के बाद पैड ड्राई कर लेना है और सीरम को अप्लाई करना है। कंसिस्टेंसी बहुत अमेजिंग है, जब आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करोगे ईजिली ग्लाइड हो जाएगा। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, साथ ही मैं यूज़ करती हूँ सैटिन बाय GHC का जैड रोलर एंड
क्वाशा, ये दोनों चीज़ें आपके फेस को स्कल्प्ट करने के लिए होते हैं। आपके फेस अगर आपके फेस में लाइन्स एंड रिंकल्स हैं तो उसको दूर करते हैं, आपके फेस को अपलिफ्ट करता है। मैं आपको बताती हूँ उसको यूज़ कैसे करना है। रोलर जो होता है वो आपके फेस को अपलिफ्ट करने का काम करता है। तो आपको जब सीरम अपने फेस पे अप्लाई कर लेना हो, उसके बाद आपको रोलर का जो ये वाला साइड है इससे अपने फेस पे ऊपर की तरफ इसको चलाना है। इससे आपका फेस लिफ्ट होगा। अगर आपकी स्किन सैग हो रही है एजिंग की वजह से, आपकी स्किन लटकने वाली है, झुर्रियों वाली है, तो ये चीज़ दूर होगी। और जैसा मसाज मैं आपको दिखा रही हूँ वैसा ही करना है, दोनों साइड पे ऊपर की तरफ आपको इसको ले जाना है। इससे आपका फेस अपलिफ्ट होता है, ठीक है। और जब आप अपने फोरहेड पे इसको यूज़ करते हो तो लाइंस दूर होती हैं। साथ में इसके ये वाला जो साइड होता है, या आप अपनी आईज़ के अराउंड मसाज करते हो तो आपकी पफिनेस दूर होती है, आपकी जो यहाँ पर रिंकल्स पड़ते हैं वो दूर होते हैं और स्किन टाइटन बनती है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है आपके फेस को अपलिफ्ट करने का एंड आपके फेस को टाइटन करने का। दूसरी चीज़ जो मैंने इसके साथ ली है सेटन बाई जीएससी से, वो है ग्वाशा। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बो आप परचेज़ कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अलग आप चाहो तो अलग अलग भी परचेज़ कर सकते हो, कॉम्बो चाहो तो कॉम्बो भी परचेज़ कर सकते हो। ये जो इसका बीच वाला हिस्सा होता है, ये हम लोग अपने जॉ लाइन पे इसको यूज़ करते हैं। ये फेस स्कल्पटिंग का काम करता है, इससे आपका फेस टोन्ड होता है और टाइटन होता है। जैसे मसाजेस मैं आपको करके दिखा रही हूँ सिंपली वैसे ही आपको करना है डेली बेसिस पे। 5 से 6 दिन ही करोगे आप तो आपको खुद विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा कि आपकी स्किन कितनी टाइट और अपलिफ्ट हो रही है। साथ ही साथ इससे हम लोग अपने फेस पे भी मसाज करते हैं, फेशियल मसाज। इस वाले साइड से आपको अपने फेस को अपलिफ्ट करते हुए मसाज करना है। एक साइड करके मैं दिखाऊंगी कि दूसरे साइड और एक साइड में एक ही बार में आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि फेस कितना ज़्यादा अपलिफ्ट होता है इससे मसाज करने से। जो मसाज टेक्निक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो मसाज टेक्निक्स आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है और इससे आपका फेस टाइटन और अपलिफ्ट होगा। अगर आप इस सीरम के साथ, यानी कि सेटन बाय जीएचसी के इस एंटी एजिंग सीरम के साथ ये दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपका फेस टाइटन होगा, अपलिफ्ट होगा। डेली बेसिस पे ग्वाशा यूज़ करो, रोलर यूज़ करो और सेटन बाय जीएचसी का एंटी एजिंग सीरम यूज़ करो। इससे आपका फेस अपलिफ्ट भी होगा, स्किन टाइटन होगी और एंटी एजिंग वाले सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और एजिंग वाले सारे साइंस आपकी स्किन से दूर हो जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट का बाइंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसे परचेज़ करें और अपने लिए यूज़ करें और बाद में मुझे आगे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।